जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंड दैट इज डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस में. लेकिन दोनों में कॉमन ये है दिस बोथ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर बेसिकली यूज्ड टू मैनेज द डेटा. राइट. तो जहां पर हमारे पास हर एक टेबल में फील्ड का डेटा टाइप है, जहां पर मैं इस टेबल में एक प्राइमरी की का कांस्टेंट अप्लाई कर सकता हूं, ये प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में फॉरेन की का कांसेप्ट मैनेज कर सकती है. तो इस तरीके से जब हम रिलेशनल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं, जहां पर टेबुलर फॉर्मेट है, जहां पर टेबल में रिलेशनशिप है, जहां पर टेबल में हर फील्ड का एक पर्टिकुलर डेटा टाइप है, जहां पर हर डेटा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर्ड हो रहा है, सच टाइप ऑफ डेटाबेसेस आर कॉल्ड आरडीबीएमएस डेटाबेसेस. सो द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस इज व्हाट? इट्स अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर एसक्यूएल के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस एंड दैट इज डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस में. डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में बेसिक डिफरेंस क्या है, किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स डीबीएमएस की कैटेगरी में आते हैं, आरडीबीएमएस का मीनिंग क्या है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे. लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वाई SQL इसके बारे में बात की थी. मैंने आपको एक सिलेबस बताया था कि हम SQL में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जहां पर हमने Why SQL, What is SQL and What is the purpose of SQL, ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, if you remember. तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने बात की थी, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं. ये मैंने आपको बताया था, these are the topics which we are going to cover in SQL syllabus, ठीक है, जहां पर हम SQL, non-SQL की बात करने वाले हैं. और आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसी टॉपिक्स में, कि डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है. स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे तो हम मोस्टली ऑल टॉपिक्स को आगे कवर करने वाले हैं. और ये सिलेबस जो मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जहां पर हम रुकेंगे टॉप एमएनसी इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ में, राइट. तो चलिए बात करते हैं यहां पर मेजर जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस है. तो आप देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, सो द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस इज व्हाट? इट्स अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना. अगर हम डीबीएमएस की बात करें तो हम बोलते हैं डीबीएमएस इज नथिंग बट इट्स अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. दोनों में कॉमन वर्ड ये है कि वी आर गोइंग टू यूज दिस बोथ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और आरडीबीएमएस को भी हम क्या बोल रहे हैं, इट्स अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट. लेकिन दोनों में कॉमन ये है, दिस बोथ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर बेसिकली यूज टू मैनेज द डेटा, राइट. इट्स अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और यू कैन से दैट इट्स अ रिलेशनल डीबीएमएस, राइट. तो यदि इन दोनों में हम डिफरेंस की बात करें, सो द मेजर डिफरेंस इज व्हाट? आप देखिए, अगर हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो डीबीएमएस हम इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं, दोनों में कॉमन ये है कि दोनों में हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि अगर आप डेटाबेस पे ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, सो देयर आर कर्ड ऑपरेशंस इन डेटाबेस, राइट. कि हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, हम डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, रिकॉर्ड सर्च करेंगे, तो ये डीबीएमएस में भी पॉसिबल है और ये आरडीबीएमएस में भी पॉसिबल है. बट राइट नाउ अगर हम करेंट सिनारियो की बात करें, देन मोस्ट ऑफ द डेटाबेसेस आर एक्चुअली एन आरडीबीएमएस डेटाबेसेस. तो एक्चुअली डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें, सो डीबीएमएस इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं जहां डेटा स्टोर तो हो रहा है बट देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, कि डेटा के बीच में कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं है, राइट. अब डेटा स्टोर हो रहा है लेकिन रिलेशनशिप नहीं है, मतलब क्या? कि सपोज अगर मैंने बोला कि बॉस ये कोई एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं अभी एग्जांपल. तो यहां पर आप डेटा स्टोर तो कर रहे हैं, मान लो मैंने लिख दिया 101 और ये मैंने नाम लिख दिया सपोज विकास, ठीक है, ये मैंने उसके परसेंटेज लिख दिया. आई एम जस्ट स्टोरिंग द डेटा, बट देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, देर इज नो टेबल स्ट्रक्चर टू स्टोर द डेटा. ना कोई टेबल स्ट्रक्चर है, ना कोई रिलेशनशिप है, ओनली वी आर गोइंग टू स्टोर द डेटा. डेटा स्टोर हो रहा है, यू कैन स्टोर द डेटा, यू कैन डिलीट द डेटा, बट जहां पर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा स्टोर होने की, जहां पर हम बात करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होने की, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यू विल नॉट फाइंड इन डीबीएमएस एप्लीकेशन. तो हम डीबीएमएस के अगर एग्जांपल के साथ इसको समझें तो हम बोलते हैं बॉस देर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस लाइक फाइल. फाइल इज एन बेस्ट एग्जांपल टू
अंडरस्टैंड डीबीएमएस कि अगर सपोज आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई फाइल क्रिएट करते हैं, राइट, मान लो अगर मैंने बोला कि मैंने वर्ड में एक फाइल क्रिएट की है, तो मैं वर्ड में डेटा स्टोर कर सकता हूं, ठीक है, आप बोलोगे सर उसमें टेबल बना सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट टेबुलर फॉर्मेट का मतलब यह है जहां पर आपका स्ट्रक्चर रो और कॉलम के फॉर्मेट में बात कर रहा है, फील्ड के बारे में बात कर रहा है, रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, जहां पर हर डेटा का अपना एक टाइप है कि डेटा टाइप के साथ आपका डेटा स्टोर हो रहा है, जहां पर मैं डेटा पे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकता हूं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ठीक है, फॉरेन की कंसेप्ट की रिलेशनशिप हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम नॉट नल के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट आप अगर एमएस वर्ड में फाइल बना के स्टोर करते हैं या एक्सेल में फाइल बनाते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर आप फाइल बना के डेटा स्टोर करते हैं, सो यू आर नॉट अलाउड सच टाइप ऑफ ऑप्शंस। लेकिन डेटा स्टोर हो रहा है, DBMS सॉफ्टवेयर अलाउड टू स्टोर द डेटा, बट देर इज नो रिलेशन, देर इज नो टेबुलर फॉर्मेट, देर इज नो प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप। अल्टीमेटली हम ये बोले तो हम अगर केवल डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, सो दैट द बेस्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर DBMS। बट यहां पर जब हम किसी एप्लीकेशन की बात करते हैं जहां पर एक्चुअली हम डेटाबेस को बैकहेंड में यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हमें चाहिए रिलेशनशिप, वहां पर हम चाहते हैं कि डेटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सेव हो, वहां पर हम चाहते हैं डेटा एक टेबुलर फॉर्मेट में सेव हो, कीज के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए, दो टेबल के बीच में प्राइमरी की फॉरेन की मुझे रिलेशनशिप मेंटेन करना है, मुझे ज्वाइन सप्लाई करना है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम DBMS पे अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जितने हमने सिलेबस में टॉपिक अभी पढ़े कि मैं ज्वाइन सप्लाई कर रहा हूं या मुझे लाइक कमांड, मुझे डिफरेंट फॉर्मेट में डेटा को प्रिंट करना है, मैं अलग अलग क्वेरीज से डेटा को एक्सेस करना चाहता हूं, सो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन या दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस यू विल नॉट फाइंड इन DBMS। तो DBMS के एग्जांपल्स क्या सकते हैं, फाइल इज एन एग्जांपल ऑफ DBMS, या XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML इज एन ऑप्शन जहां पर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट XML डेटा स्टोर करता है बट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, देयर इज नो टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट टू स्टोर द डेटा इन XML, there is no field concept to store the data in XML, there is no primary key foreign key concept to store the data in XML। तो यदि हमें डेटा स्टोरेज की बात करनी है तो हमने क्या बोला, फाइल इज एन एग्जांपल, XML इज एन एग्जांपल, या पुराना एक डेटाबेस हुआ करता था जिसको हम बोलते थे Fox Pro, DBase, that all are DBMS software, Fox Pro DBMS था, ठीक है, DBase करके एक सॉफ्टवेयर था, that is a DBMS software, right? फाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS। बट यदि हम करेंट सिनारियो की बात करें, अब अगर आज की एप्लीकेशन की बात करें जहां पर मैं किसी इंटरनेट एप्लीकेशन के साथ बैकहेंड में डेटा स्टोर करना चाहता हूं कि मेरी एप्लीकेशन वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और मुझे डेटा स्टोर करना है, सो विदाउट एनी डाउट वी आर टॉकिंग अबाउट RDBMS। अब अगर हम RDBMS की बात करें तो आप देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस वो एक्चुअली फॉलोज द रिलेशनशिप कि जहां पर हम डेटा के बीच में या टेबल के बीच में रिलेशनशिप शो कर सकते हैं, ऑपरेशन यहां भी वही परफॉर्म होंगे, क्योंकि आप देखिए डेटाबेस कोई भी हो ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म करेंगे, मुझे डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है, टेबल अल्टर करना है, डिलीट करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो ये सारे ऑपरेशंस जब हम बात करते हैं RDBMS की, तो यहां पर हमारा डेटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो जब हम SQL की बात करते हैं तो SQL इज बेसिकली यूज टू अप्लाई इन RDBMS डेटाबेस, कि SQL जिस डेटाबेस को सपोर्ट करता है वो RDBMS बेस्ड डेटाबेस है। तो RDBMS डेटाबेस का एडवांटेज क्या है, यू कैन स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, कि यदि मुझे रिकॉर्ड स्टोर करना है तो बाकायदा हम यहां पर एक टेबल क्रिएट करेंगे, दिस टेबल कंसिस्ट नंबर ऑफ फील्ड्स, ठीक है, जो भी हम आगे देखने वाले हैं डोंट वरी, कि जहां पर हमारी फील्ड, अगर मुझे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करना है सो एम्प्लॉय नंबर इज देयर, नेम इज देयर, ठीक है, यहां पर मैंने बोल दिया बहुत सपोज सैलरी इज देयर, तो ये जो है जहां पर आपने बोल दिया इसका स्टेटस ये टेम्परेरी एम्प्लॉय है या परमानेंट, तो यहां पर हर टेबल में हर एक फील्ड का, ये मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द फील्ड ऑफ द टेबल, ये मेरे टेबल की फील्ड है जिसको हम एंटिटी बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड फील्ड ऑफ द टेबल, राइट। तो हर फील्ड का एक डेटा टाइप होगा कि ये इंट टाइप का है, इसको मैं बोलूंगा इट्स अ वेर केयर, आगे हम अभी पढ़ेंगे डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है, सैलरी को मैं बोल सकता हूं ये इंट टाइप का है, या इसको हम डेसिमल ले सकते हैं, स्टेटस इट इज अ टाइप ऑफ बुलियन, जहां पर हम अगर मुझे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेना है सो वी हैव अ डेट टाइप, राइट। तो जहां पर हमारे पास हर एक टेबल में फील्ड का डेटा टाइप है, जहां पर मैं इस टेबल में एक प्राइमरी की का कांस्टेंट अप्लाई कर सकता हूं, यह प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में फॉरेन की का कांसेप्ट मैनेज कर सकती है,
तो इस तरीके से जब हम रिलेशनल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करते हैं, जहां पर टेबुलर फॉर्मेट है, जहां पर टेबल में रिलेशनशिप है, जहां पर टेबल में हर फील्ड का एक पर्टिकुलर डेटा टाइप है, जहां पर हर डेटा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, सच टाइप ऑफ डेटाबेसेस आर कॉल्ड RDBMS डेटाबेसेस। इस तरीके के जो डेटाबेसेस होते हैं वो कहलाते हैं RDBMS डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अभी आप देखिए, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट पे नहीं आ रहा हूं कि जहां पर मैं ये बोलूंगा कि बॉस इस पे हम ज्वाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, जहां पर हम नेस्टेड क्वेरीज अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल है जब आप अपने डेटाबेस को एज एन RDBMS डेटाबेस यूज करोगे। तो आप समझिए, डेटाबेस एंड DBMS एंड RDBMS आर नथिंग बट द कॉन्सेप्ट। DBMS और RDBMS क्या है? These are the concept. और अगर कोई डेटाबेस इन कॉन्सेप्ट को यूज करता है तो हम बोलेंगे वो RDBMS डेटाबेस है या वो DBMS डेटाबेस है। अगर डेटा रिलेशनशिप के साथ स्टोर हो रहा है, अगर डेटा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, अगर डेटा में पर्टिकुलर फील्ड का डेटा टाइप है जहां पर स्ट्रक्चर्ड है, तो हम बोलेंगे RDBMS डेटाबेस है। और अगर ऐसा नहीं है, डेटा स्टोर हो रहा है बट देर इज नो रिलेशनशिप, देर इज नो स्ट्रक्चर, तो हम बोलेंगे दैट इज अ DBMS। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फाइल इज एन एग्जांपल ऑफ DBMS, XML इज एन एग्जांपल ऑफ DBMS, लेकिन RDBMS के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो RDBMS के देर आर मल्टीपल एग्जांपल जहां पर हम RDBMS की बात करते हैं। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, Oracle इट इज एन RDBMS डेटाबेस, MySQL इट इज एन RDBMS डेटाबेस, ठीक है, इसके अलावा SQL सर्वर इट इज एन RDBMS डेटाबेस, DB2 इट इज एन RDBMS डेटाबेस, ठीक है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, Oracle, MySQL, SQL सर्वर, इफ यू रिमेंबर मैंने ये लास्ट टाइम भी हमने इस तरीके के एप्लीकेशंस की बात की थी, जहां पर मैंने आपको वाई डेटाबेस के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस, सी दिस वन, ये हमने बात की थी कि बॉस जब हम SQL को यूज करते हैं तो SQL के लिए जो डेटाबेस हम यूज करते हैं दैट इज एन RDBMS डेटाबेस, लाइक Oracle, MySQL, MSX, Microsoft SQL सर्वर या PostgreSQL। तो ये जितने भी डेटाबेसेस हैं जिनको हम यूज करने वाले हैं अभी SQL के एप्लीकेशंस के लिए, SQL के लिए, दैट इज एन RDBMS डेटाबेस टूल्स। तो आई होप ये DBMS और RDBMS का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको समझ में आया है कि DBMS और RDBMS किस तरीके के डेटाबेसेस होते हैं, राइट, कि जहां पर DBMS और RDBMS में मेजर डिफरेंस क्या है। और आज अगर हम बात करें, सो मोस्ट ऑफ द डेटाबेस, or you can say that almost all the databases are actually RDBMS databases. They follows the rule of RDBMS. चाहे आप Oracle की बात कर ले, चाहे आप Postgre की बात कर ले, चाहे आप MS Access की बात करें, चाहे आप MySQL की बात करें, चाहे आप DB2 की बात करें, this all are RDBMS database rule. कि अभी जब मैं MySQL की बात करूंगा या Oracle को हम यूज, किसी भी डेटाबेस को जब हम यूज करेंगे तो अब देखिए मुझे स्टेप्स क्या फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। सपोज अगर हम MySQL की बात करें तो सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है, ये मेरा MySQL है। इस MySQL में जाके हम हमारा सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे कि सपोज मैंने बोला ये मेरा डेटाबेस है लाइब्रेरी। अब इस डेटाबेस में मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस में मुझे टेबल स्टोर करना है, टेबल फॉर स्टूडेंट डेटा। तो हम बाकायदा टेबल बनाएंगे, ठीक है, ये टेबल बनेगी, टेबल में फील्ड होंगी जहां पर आपने बोल दिया स्टूडेंट नंबर है, रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है। और फिर हम सपोज अगर मैंने बोला कि एक टेबल ये है बुक इशू, आप देखिए आप एक टेबल आपने बना ली बुक के नाम से जिसमें बुक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ओके, ये बुक की टेबल है, ये बुक इशू की टेबल है। तो यहां पर क्या होगा, देखो आप ये जो नंबर है, ये नंबर यहां पे प्राइमरी की होगा और इसको हम फॉरेन की यहां पर बनाएंगे, नो डाउट। अभी यहां पर ये बुक आईडी प्राइमरी की होगा तो इसको यहां पर मैं फॉरेन की बनाऊंगा। तो ये जो होगी ये रिलेशनशिप होगी कि इसका रोल नंबर जो है वो बुक इशू में फॉरेन की का काम करेगा कि अगर कोई बुक इशू होती है। तो आप देखिए ना, केवल आप कभी भी अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो दे डोंट वांट योर नेम, आपसे आपका आईडी पूछते हैं। सो दैट आईडी इज व्हाट, दैट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो कि डेटाबेस में आपका स्टोर्ड है और वो प्राइमरी की है, वो आपके हर टेबल में घूमेगा। चाहे आप स्पोर्ट्स के लिए कोई सामान इशू करवाने जाएंगे तो स्पोर्ट्स की एक टेबल होगी, चाहे आप अकाउंट में फीस भरने जाएंगे तो वहां पर भी आपका आईडी आपके लिए फॉरेन की का काम करेगा। तो एक बार एक डेटा को प्राइमरी की बना दिया जाता है और फिर उसकी रिलेशनशिप हर टेबल में मेंटेन की जाती है। तो ये जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, नो डाउट अभी जब मैं कीज वाले कॉन्सेप्ट में आऊंगा तब हम एक एक प्राइमरी की, फॉरेन की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप यह समझिए कि अगर आप एक RDBMS डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, देन व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS।
ये सारे कॉन्सेप्ट हम डीबीएमएस में अप्लाई नहीं कर सकते. एंड दैट्स फॉर द रीजन कि नाउअडेज नॉट अ सिंगल डेटाबेस जो कि एक्चुअल कमर्शियल एप्लीकेशन में यूज में आता है और वो डीबीएमएस है. हम फाइल को यूज करते हैं बट मतलब इतने लेवल पे यूज नहीं करते हैं कि आप कोई ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट का डेटा स्टोर कर रहे हैं या बैंकिंग एप्लीकेशन का डेटा कोई फाइल में स्टोर हो रहा है. फाइल इज अ कॉन्सेप्ट जहां पर हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए फाइल को यूज कर सकते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है. बट जब बात होती है स्ट्रक्चर डेटा की और रिलेशनशिप के साथ डेटा की सो द बेस्ट चॉइस वी शुड गो फॉर आरडीबीएमएस. तो हम जो एसक्यूएल आगे पढ़ने वाले हैं हम उस पूरे एसक्यूएल की हर कमांड को जिन डेटाबेस पर अप्लाई करेंगे दिस आर आरडीबीएमएस डेटाबेस और ये सारे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल अभी हमने जो बात की है वो केवल और केवल डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के डिफरेंस के बारे में बात की है. तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आया है. ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया है कि डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या डिफरेंस है. ओके, किस तरीके के डेटाबेसेस को हम डीबीएमएस बोलते हैं. एक बार फिर से अगर बात करें तो फाइल एंड एक्सएमएल आर द एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर, दे डोंट मेंटेन एनी रिलेशनशिप. बट जहां पर बात रिलेशनशिप और स्ट्रक्चर्ड की होती है वहां यूज करेंगे आरडीबीएमएस. और जिसके एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया है एमएस एक्सेस, ओरेकल, सीक्वल सर्वर, ठीक है, आपका MySQL, Postgre, DB2, दिस ऑल आर आरडीबीएमएस टूल जो कि आरडीबीएमएस टूल को फॉलो करेंगे. दिस ऑल आर एसक्यूएल डेटाबेसेस. तो चलिए करते हैं मुलाकात. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.